ईरान ने आखिर क्यों एक बार फिर से अमेरिका को चेतावनी दी है ताइवान को लेकर? चीन ने अमेरिका को क्यों दी धमकी? ट्रंप अपने कार्यकाल से पहले यूएई के साथ किस डील को पूरा कर सकते हैं? देखिए न्यूज़ टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका 21 फरवरी से पहले उस पर लगाए अपने प्रतिबंध नहीं हटाता है तो वो संयुक्त राष्ट्र की टीम को अपने परमाणु सेंटरों के निरीक्षण की इजाजत नहीं देगा। ईरान पहले ही अपने न्यूक्लियर क्षमता को 20% बढ़ाने का ऐलान कर चुका है। ट्रंप सरकार के जाने से पहले अमेरिका और यूएई के बीच बड़ा सैन्य समझौता हो सकता है। $23 बिलियन की डील के मुताबिक यूएई को अमेरिका से 50 F-35A फाइटर जेट, 18 MQ-9B ड्रोन और युद्ध सामग्री शामिल है। इस समझौते से खाड़ी में युद्ध की आशंका और बढ़ सकती है। समंदर में बढ़ेगी ब्रिटेनी सेना की ताकत। ब्रिटेन की नौसेना को जल्द ही मल्टी शॉट माइन न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम मिलने वाले हैं। ये सिस्टम समंदर के अंदर बिछे माइंस को नष्ट कर देंगे। स्वीडन की रक्षा कंपनी साब के साथ हुए $36 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2022 तक MUMNS की डिलीवरी होगी। विनाश और विध्वंस की तस्वीरें तुर्की के कब्जे वाले तहरीन शहर की हैं, जहां अलबाब कैंप के पास अज्ञात ड्रोन से हमले किए गए। इस ड्रोन अटैक में तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया जिससे भारी नुकसान हुआ। अब तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तुर्की की सेना के लिए उम्ताज एंटी टैंक मिसाइल की खेप तैयार की जा रही है। हथियार बनाने वाली कंपनी रॉकसन ने इसका खुलासा किया है। उम्ताज हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है जिसका इस्तेमाल फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और यहां तक कि ड्रोन से भी किया जा सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने ताइवान और US डिप्लोमेट के बीच सभी गतिरोधों को खत्म करने का ऐलान किया है। माइक पोम्पियो की घोषणा की चीन ने तीखी आलोचना की है और अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दी है। साउथ चाइना सी में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन ने अपने सैनिकों के लिए साउथ चाइना सी में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके लिए ड्रैगन ने अपने नेवी बेस से समुद्र में आधुनिक हथियारों से लैस 3 वॉरशिप उतार दिए हैं। साउथ चाइना सी में चीन की हरकतों पर अमेरिका और ताइवान की पूरी नजर है। चीन की समुद्री साजिश का पर्दाफाश हुआ है। चीन का अंडर वाटर ड्रोन इंडोनेशिया में जब्त किया गया है। इंडोनेशिया की नेवी ने चीन की साजिश का खुलासा किया है। चीन ने 4 साल पहले अमेरिकी अंडर वाटर ड्रोन को पकड़ा था। चीन ने अमेरिकी ड्रोन की नकल कर ही अपना ड्रोन बनाया है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को उनके साथ चर्चा कर अमेरिकी सैनिकों को यहां से हटाए जाने पर फैसला लेना चाहिए। गनी के मुताबिक साल 2015 से अब तक अफगानिस्तान में 40,000 अफगानी और 98 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।